Hi, I'm here with All India rank #1, Sakshi Airan. Proud to say that she's a student of Nahata Professional Academy and my student for Strategic Management and Economics. Sakshi, welcome, and first of all, many congratulations. आपने जो खुशी हम लोगों को दी है जिसके लिए हम लोग शायद पिछले 12 साल से मेहनत कर रहे थे, C.A. Foundation में फर्स्ट रैंक ऑलरेडी आ चुकी है, C.A. Final में आ चुकी है, 2016 में सलोनी जिंदल सेकंड रैंक लाई थी, 1 नंबर का स्लॉट खाली था. थैंक्स टू गिव अस दैट एंड थैंक्स फॉर मेकिंग अस प्राउड. मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, स्पेसिफिकली इन रिगार्ड टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड एज वेल एज इकोनॉमिक्स और फाइनेंस, जो टोटल 90 मार्क्स का वेटेज रखते हैं. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के बारे में आपका क्या कहना है? पहले आप अपने व्यूज दीजिए, फिर अगर कुछ और स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जिससे बच्चों को गाइडेंस मिले इन दोनों सब्जेक्ट्स को लेकर, फिर मैं वो सवाल आपसे पूछता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एंड यू हैव टू स्टडी इट विद एग्जाम्पल्स ऑफ कॉर्पोरेट्स. इट्स ऑल फन. इसमें ऐसा कुछ याद करने की भी प्रॉब्लम आपको कभी फेस नहीं होगी क्योंकि ये सब एग्जाम्पल्स हैं और आप रोज़ देखते सुनते हो इसके बारे में. और जब सर की वो क्लिप्स होती हैं छोटी छोटी सी और उनकी अजीब अजीब सी स्टोरीज होती हैं कभी कभी, वो बहुत हेल्प करती है. जब आप पढ़ने बैठते हो एक टाइम पे कुछ बच्चों को लगता है कि टाइम पास हो रहा है, बट जब आप घर पर उसको पढ़ने बैठते हो तो वो स्टोरी से ही आपको कंसेप्ट को क्लियर कर पाते हो कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था तो इसका मतलब वो है. सो फोकस, आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को रट्टा तो बिल्कुल नहीं लगा पाओगे कि याद कर लिया सब कुछ. वो याद करने जैसी चीज़ें नहीं, उसको समझ के लिखना होगा. क्वेश्चन इतने डायरेक्ट नहीं होते हैं कि आपने बस उन्होंने पूछा आपने लिख दिया. यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस, योर माइंड. उसके लिए एग्जाम्पल्स को स्टडी करना, पढ़ना. 12th CBSE बोर्ड में केस स्टडीज आती थी, लॉ में तो बहुत सारी आती है, टैक्स में आती, तो कुछ वैसा ही कंसेप्ट इधर होता है. बस यहाँ पर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को आप स्टडी करते हो, उसके बेसिस पर अपने आंसर्स फ्रेम करते हो. And for economics, for finance, it's a totally new subject, amazing subject. I regret why I have not chosen economics in my 11th and 12th. Fantastic subject. I would like to just add, she has scored 94 marks in economics or finance and financial management. I think that might be the highest score in the country itself, which we'll come to know in few days. So it's a great experience to study economics. Although we give little weightage to it because it is of 40 marks, but it is interesting to study it and 40 marks matter a lot. In fact, you got pass in 40 marks. That's all you need to pass in single subject. Study practicals कम है, 1-2 ही chapter है, but अच्छा मज़ा आता है. Graphs जब आप बनाते हो तो you feel कि हाँ अब आ रहे हैं, जैसे जैसे graph बनने लगते हैं. It's feel good. इग्नोर बहुत सारे बच्चे करते थे, 11-12 में पढ़ा है तो अभी भी क्या मतलब है, पढ़ के कर लेंगे, बट ये है और वो 11-12 था, डिफरेंस होता है. तो फोकस अटेंशन टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. ऐसा नहीं हो सकता कि अब बड़े बड़े सब्जेक्ट ऑडिट फिर निपटा लिया, कॉस्ट कर लिया तो बाकी सब ठीक है. ऐसे इकोनॉमिक्स हम लोग इसे लाइटली में रहते हैं, बट दीज आर दी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स वेर यू कैन स्कोर, दे गिव यू पुश. और अगर इन सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो यू गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ इन सब में बाकी बच्चे नहीं कर पा रहे, मैं कर पा रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, मैं और अच्छे से कर सकती हूँ. देयर इज़ अ कॉमन बिलीफ अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कि ये 12th क्लास के मैनेजमेंट से मिलता जुलता है. इज इट द केस? एब्सोल्युटली नॉट. 12th क्लास मैनेजमेंट वाज ऑल अबाउट प्लानिंग, स्टाफिंग एंड ऑल. इट्स टोटली डिफरेंट. प्लानिंग इट्स अ थियोरेटिकल थिंग. इन फैक्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी वी ऑल मेक. I mean, I also made, they also make for teaching, and every day in life, knowingly, unknowingly, we made strategies for each and everything. So it's a different subject. Don't confuse it with business management. It was all theory, management theory, and this is the practical aspect you can see in the world also. एक और चीज़, कई बच्चों को लगता है कि बस वो ऐसे papers घुमा लेंगे तो उनका काम हो जाएगा. We have a concept of doing a workbook. वर्कबुक में चैप्टर के बाद इमीडिएटली बाद पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आप टॉपिक के नीचे ही करते हो, फिर आपको एक सेपरेट बुक दी जाती है कॉल्ड वर्कबुक, एंड दैट वर्कबुक हेल्प्स यू टू राइट द आंसर्स अलोंग विद द माइंड स्पेस. वो आपने यूज़ किया था? बहुत ज़्यादा यूज़ किया था. इनफैक्ट लास्ट में वही काम आया था क्योंकि सब कुछ से गो थ्रू होना पॉसिबल नहीं है. तो वो जो माइंड स्पेस के होते थे, तो आंसर तो जितना निकला होता पर उसमें इतने सारे आइडियाज होते थे, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. तो माइंड स्पेस को पढ़ने से वो आंसर तो जो होता था रिविजन हो जाता था, उसके साथ उसके आसपास जुड़े हुए बहुत सारे कंसेप्ट्स में क्लैरिटी निकल कर आती थी कि इस क्वेश्चन का आंसर यही लिखना है। और वो जो गलती उस वक्त की थी वो भी याद आ जाती कि मैंने ये सोच के ये लिखा था, तो एग्जाम में वो गलती फिर दोबारा नहीं होती है। और मोस्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम फेस करते हैं कि टाइम कम पड़ता है, तो टाइम कम लिखने का नहीं, सोचने का कम पड़ता है। फॉर माई सेल्फ आई हैव कम्प्लीटेड ऑल द पेपर्स 15 मिनट्स बिफोर इवन आफ्टर बीइंग चेक। तो टाइम कभी कम नहीं पड़ता अगर आपके मैनेजमेंट इज नेवर दिमाग में हो तो कि आपको लिखना क्या है। ओके, टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस, अनदर सब्जेक्ट ऑफ 40 मार्क्स, 14 चैप्टर्स, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट इट्स अगेन 12th class का इकोनॉमिक्स। नॉट एट ऑल, द टॉपिक्स आर सेम बट द कंटेंट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट इन अ very, very डीप। इनफैक्ट वी थिंक कि जब चैप्टर्स को स्क्रॉल डाउन करते कि हाँ ये भी 12th में पढ़ा, ये भी 12th में पढ़ा, ये भी 12th में पढ़ा, पर जब वो चैप्टर के कंटेंट में जाएंगे ना तो वो टर्मिनोलॉजीज ही समझ में नहीं आती कि ये 12th में ये तो कभी था ही नहीं और ये अब आ जाता है। सो दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट कंसेप्ट। डॉट कन्फ्यूज CA विद 11th एंड 12th, दे आर टू डिफरेंट हॉरिजॉन्स। हाँ, हमें लाइटर रोड क्या 10th 12th से कम मेहनत करना पड़ती है? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, प्लीज आप मतलब आई नो यू आर अवेयर एंड एजुकेटेड ऑन सर्टेन थिंग्स दैट ओनली लेसर टाइम कैन हेल्प यू गेट दिस रैंक, सो आई डोंट थिंक सो बिकॉज आई हैव नॉट वर्क लेसर हार्ड टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सेइंग दैट इट्स लेसर देन 10th एंड 12th इज नॉट द राइट थिंग फॉर द प्रोफेशन। जी सर सेड 11th 12th मैं तो इसे CPT के इकोनॉमिक्स से भी सिमिलर नहीं मानूंगी जो हमने इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स पढ़ा। CPT का भी बिल्कुल अलग कंसेप्ट था इकोनॉमिक्स का और अभी बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। सो CA मतलब आप CPT पढ़ते हो तो इट्स लाइक अ कुआ, व्हेन यू जॉइन इंटरमीडिएट्स इट्स अ बिग समुद्र टाइप्स। जब आप एकदम आते हो तो घबराहट होती, सब होता है, पर फिर इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसे थोड़े से फैमिलियर से सब्जेक्ट लगते हैं कि हाँ थोड़ी सी जान पहचान है इनसे, तो वो अच्छा लगता है। बट इस चक्कर में इनको इग्नोर करना कि हाँ ठीक है 11th 12th में भी थोड़ा सा पढ़ा था, वो डेफिनेटली रॉन्ग है। कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट ऑल्सो बिकॉज वो भी आपको पास करने पड़ेंगे तभी आप ओवरऑल स्कोर कर पाओगे। एक और पॉपुलर बिलीफ है सिर्फ पढ़ लेने से काम होता है या लिख के देखना पड़ता है? पढ़ लेने से काम जब होगा जब आपने उसको पहले लिखा होगा अपने हाथ से, तभी आप उसको पढ़ के ऐसे चल पाएगा। अगर आपने बुक में भी अगर एक बार दो बार रीडिंग करी तो उसके बाद आप पेजेस भी स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिमाग में आएगा कि हाँ ये यहाँ लिखा था, ये लिखा था। पर अगर फर्स्ट टाइम ही ऐसे स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट टाइम तो पता नहीं कहाँ जाएगा। वी अडॉप्टेड अ वेरी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी इन इकोनॉमिक्स सेइंग दैट आप सब लोगों की बैच ने मना कर दिया था, बोला हमें प्रिंटेड नोट्स नहीं चाहिए। आप सब लोगों ने रोक दिया था मुझे एज गुड एज, और आपने बोला आप तो लिखवाओ, और उसके कारण हम लोगों को कुछ आवर्स ज़्यादा भी लगे। आप लोगों ने ऑलमोस्ट रोज मैं क्लास में शीट बांटता था आप लोगों को और आप शीट्स लिखते जाते थे। उन शीट्स ने क्या हेल्प करी? हमारे हाथों से लिखी हुई थी, हमने जो समझा था वो लिखी हुई थी, तो एग्जाम टाइम में बस उनको देख लेने से समझ में आया था कि हाँ ये लिखा था, ये कंसेप्ट था, तो डेट वॉज ओके। अगर प्रिंटेड नोट्स होते तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो पढ़ते ही नहीं होते क्योंकि प्रिंटेड है, इकोनॉमिक्स से ऊपर से तो कौन पढ़ेगा। पर खुद से लिखे थे तो ना चाहते हुए भी पढ़े थे, उनको समझ में आए थे कंसेप्ट्स, तो इट वाज वेरी यूजफुल। और इकोनॉमिक्स तो सर ने नोट्स बनवाए थे हमसे, पर हर सब्जेक्ट में खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स हमेशा सबसे बेस्ट होते हैं। एनी स्पेसिफिक टिप मतलब लास्ट डेज को रिमेंबर करने के लिए, मतलब लास्ट में जब आप लोगों को इसको रिकॉल करना रहता था वो एक चैलेंज होता है बच्चे से कि इतने बड़े सिलेबस को मैं समेटूँ कैसे। In that case, did you get any help from the WhatsApp slides or something which were there, or the summary notes and the charts which I prepared for all of you? It was slides were almost about 50-60 slides and all SM syllabus was concluded in it. In economics, we then ourselves prepared summary notes in the class itself, so it was all awesome. Like we don't have to run here and there to find summary notes. Go to that website, इन सर के नोट्स देखो उन्होंने अपलोड करे, हमारे पास हमारा था, हमको बस स्क्रॉल डाउन करते जाना था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लिखा तो था, कंटेंट था, उसमें इमेजेस थी जिसको देख के अपने आप को समझ में आता था क्योंकि वो एग्जाम्पल्स हमने क्लास में पढ़े हुए थे, तो इमेजेस देख के एग्जाम्पल्स रिकॉल होते थे एंड कंसेप्ट्स वर क्लियर एट वंस। ग्रेट, सो इसका मतलब इमेजेस हेल्प। यस, सो इट्स करेक्ट टू से दैट इमेजेस आर वर्थ 1000 words। करेक्ट, so thank you very much and thanks for making us proud, thanks for making Nahata Academy proud, and I am also proud to say that I am a student of Nahata Academy now, I am a teacher at Nahata Academy, and thanks for giving us the moment of pride which we were been waiting for like so many years. एक famous quote होता है जब लोग बोलते हैं कि बहुत lucky है ये बच्चे, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, इट टेक्स ऑलमोस्ट 18 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क टू गेट द टैग कॉल्ड लकी. अदरवाइज यू कैंट सिंपली गेट लकी. देयर इज अ हार्ड वर्क विच द वर्ल्ड डजंट सी. आई हैव सीन यू. हम लोगों ने तुम्हारे साथ समय बिताया बाहर डाउट सॉल्विंग को लेकर. मेरे को बड़ा सरप्राइज था, बट अपन लोग शाम को 8 बजे बैठते थे क्लास खत्म हो जाने के बाद. Sometimes it was 8:30 also. हाँ, क्लास खत्म होने के बाद एक एक शब्द अपन लोग करते जाते थे. और मुझे सच्ची बताऊँ याद भी नहीं था कि तुमसे डाउट पूछे. हाँ, बट थैंकफुली येस आई वॉज अवेलेबल एंड आई कुड मेक इट. थैंक्स फॉर गिविंग अस अ पॉइंट ऑफ डाउट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.